और मेरी तरफ से सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और आज हमारे कनाडा में है ईद का दिन और बड़ी खामोशी आपको लग रही होगी इसलिए कि अभी तक गेस्ट आए नहीं है, तो बस गेस्ट आने वाले हैं और खुद मैं अभी तैयार होके आई हूँ, तो मैंने कहा चलो जी हाय हेलो करें और ईद का व्लॉग बनाएं। और आज मैंने पहना है लाइम लाइट का ड्रेस, ये लॉन्ग शर्ट है मेरी और ये है सिल्क में है, बहुत खूबसूरत सॉफ्ट सा कपड़ा है और साथ इसका शिफॉन में इसके साथ दुपट्टा है ग्रीन कलर का। मुझे टू पीस मिला था और ट्राउजर मैंने खुद बनाया, साथ मैंने इसके साथ कुर्ता पहन लिया है, मैंने कहा घर में कंफर्टेबल रहेगा। और ये देखें जी ज्वेलरी में मैंने पहना है ये गोल्ड के जो है ना मैंने पहने हैं कड़े और ये मैंने अब बनवाए थे, मेरा वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट था जो मैं पाकिस्तान से बनवा के आई हूँ। और साथ में ये मेरी माला है और ये मैंने पहना है और सिंपल से मैंने इयररिंग्स पहने हैं। चलो जी अब अपनी तैयारी तो हो गई है, अब कोई खाने पीने की तैयारी करें और फिर आपको दिखाती हूँ सारा कुछ कि कैसे हम ईद का दिन आज सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा घर का भी दिखाऊं आपको, ये देखें जी हमने यहाँ पे लगाया ईद मुबारक, रमजान में मैंने रमजान मुबारक वाला लगाया था बैनर और अब ये वाला लगाया है। और हल्की सी एलईडी लाइट्स हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है ना, नाइट में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। और ये भी ये लाइट्स वगैरह ऑन कर दूँ क्योंकि गेस्ट अब आने वाले हैं, ये भी ऑन हो गई, सब मेहमानों का इंतज़ार है। और जी जो ये मेरा स्पेशल स्पॉट है जहाँ पे मैं अपनी पिक्चर लेती हूँ, बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है, ये देखें जी, ये देखें जी यहाँ पे जो पानी है ये मैंने इमली का पानी बनाया है गोलगप्पों के लिए, बड़ा मज़े का स्पाइसी पानी। और ये गोलगप्पे आ चुके हैं और ये चटनियाँ भी मैंने बना ली हैं और मीठी चटनियाँ भी मैं बना रही हूँ। और ये मैंने नाचन वगैरह बनानी है, ये उसी के लिए सॉस है। और ये बंशन बना रही हूँ मैं अभी, इसको बेक करना है और उसमें चिकन का मटेरियल वगैरह डाला है, बड़े मज़े के भी बनने वाले हैं स्लाइडर्स, चिकन स्लाइडर्स। और ये मैंने गोलगप्पों का मटेरियल बनाया है और ये जो है वो मीठी चटनी बन रही है। तो ये देखिए ये है हमारा राउंड वाले मैंने लिए हैं पोटैटोस और बहुत मज़े का ये मैं नाचोस बना रही हूँ, बहुत टेस्टी डिश बनती है ये, अभी बना के दिखाती हूँ। ये नाचोस कितना कलरफुल है ना, ये देखें मज़ेदार किस्म के नाचोस तैयार हूँ, इसकी मैं रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी, बहुत आसान है बनाने। और ये जी मीठी चटनी वगैरह भी बन गई थी, रोल, समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, मज़े मज़े का स्नैक और सबसे बढ़ के गोल गप्पे, वो तो सबसे ही मज़े के लगते हैं ना। मैंने खुद देख के करना है, हल्के में रखा हो ही नहीं रहे, बस आप देख ले हमेशा ही मेरे बर्ड में हो जाते हैं। हेलो चाय, इतनी कलरफुल लग रही है मिठाई, इतना मजे का लग रहा है, चाय भी अच्छी लग रही है, चाय ले लो चाय। Nothing's going to happen if you look for 1 second, but if you're looking at it for like 15 seconds, no matter how much, 6 seconds is enough. It depends on the person too. मायरा तो देखो, देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, मायरा तो दिखाओ, बाल दिखाओ ना कितने प्यारे बनाए हैं, वाओ मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है क्या।
भूख लगी है। ईद मुबारक का केक, ईद मुबारक, ईद मुबारक का केक खा लो आके। ईद मुबारक कैंडल की तरह कैंडल है, कैंडल कैंडल आई चलो आज हम काटो काटो केक, काटो केक, कट करो चलो। ईद मुबारक, बोलो ईद मुबारक, बोलो ईद। अंकल ईद मुबारक का केक है भाई। हाँ ईद मुबारक, समझा उसके बर्थडे में इसका है। ओके 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 ओके, चलो चलो खाओ, इसे ब्लो करो, ब्लो कर, ब्लो कर, दोबारा करो, दोबारा करो। Where's the button? The button, I can't even get to it. It's broken. Blow it. Blow it, blow it. Hey, bacha bachara. Pasma. Idi. You're the idiot. Idi. Okay. Idi. I'm going to meet you. What? I'm going to meet you. शादी हो गया, मुझे देना भूल गए। वो देख इधर जाने की तैयारी है, इसको भी पैसों का पता चल गया। वो देख चलो, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ईद के साथ ही चांद रात की भी वीडियो शेयर कर दूं कि चांद रात कैसे गुजारी और कैसी होती है कनाडा में। तो इस दफ़ा हमेशा मैं चांद रात की वीडियो बनाती हूं तो जराट पे जाती हूं, लेकिन इस दफ़ा जराट पे बिल्कुल रश नहीं था, बिल्कुल रौनक नहीं थी, क्योंकि यहां पे एक रेस्टोरेंट था जहां पे ज़्यादा लोग आते थे, वो परमानेंटली बंद हो गया। तो अब हम लोग आए थे देसी बर्गर में, यहां से मज़े के जो है ना बन कबाब और अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये गोलगप्पे इनके अच्छे नहीं थे। बहुत मजे के होते हैं ये। तो ये आप देख ही रहे होगे, जैसे पुरानी मेरी कोई वीडियोस देखें तो जराट पे इतनी रौनक होती थी, अब बिल्कुल नहीं होती है, बहुत थोड़े लोग थे। तो अब वो रिचवे है एरिया मिसिसागा में, तो वहाँ पे बहुत रौनक होती है। तो अगर अब जो जाना चाहता है ना कनाडा में चांद रात के लिए, तो वहीं पे जाना चाहिए, जराट पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। एनी मिल रही है, मैं मुझे लगता है यहाँ पे है एमरजेंसी वाली, ये लगा रही हैं, लगा रही हैं, दे चेक कर लो कैसी है मेहंदी। इतनी गरीब निकल रही है, इतनी खूबसूरत। तो ये वही जराट में वही पुरानी शॉप्स हैं जो इंडियन स्टोर्स हैं कपड़ों के, और मुझे तो लगता है जब से मैं आई हूँ ना वही स्टाइल हैं कपड़ों के यहाँ पे। तो यहाँ पे वही उनकी साड़ियाँ ड्रेसेस और इस टाइप की चीज़ें थी, हमने कहा देखें, काफ़ी अरसे से देखा नहीं स्टोर्स में इनके क्या है। तो वही फैशन है जो 15 साल पहले था ना, वही कपड़े मुझे नज़र आए यहाँ पर। यहाँ भी कुछ बुला रहे हैं हमारे पास आओ, तो लाहौर बारबेक्यू और पान शॉप में जाओ। एनी उधर भी लोग बैठे थे जी। हमारा पाकिस्तान का है झंडा, इतना बड़ा झंडा। तो यहाँ पे हम चाय शाय पी रहे थे, ये है कश्मीरी टी। हाँ नहीं नहीं, इतना माड़ा नहीं है कलर, वो हम पिछली दफ़ा ये के ज़रा ज़्यादा अच्छा था, बस ये देखना है कि निकले अच्छी। चलो चलो एक ही लेनी है। हाँ ये एक, आगे भी देखें क्या प्राइस है।
पिछले एक डॉलर ज़्यादा हो गई, पीछे चार डॉलर की थी लास्ट टाइम। कौन लेते हैं नी? इंडियन पार्क। होए होए, फटे सांसद तो इधर आए हुए हैं। ये कितना, ये पूरा प्लाजा है मिसागा में, ये देखो जो के रेस्टोरेंट से भरा हुआ है, कड़ाई एंड बारबेक्यू हाउस कलोची। ये अदनान समी खान कब आ रहा है? 17 मई को आ रहा है। 17 मई को आ रहा है। सोहेल भाई फ्लैट देने को कहाँ कहाँ वो कह रहे थे। ये देखो ये आ रहा है। वो नहीं, ये तो गद्दार है, इसको नहीं हमने याद आ गया, ये तो गद्दार है, इसका नहीं हमने सुना। तो यहाँ पे हम लोग आए थे मिसिसागा में, यहाँ पे तो वाकई में ही रौनक थी। अब नेक्स्ट टाइम हमने सोचा है कि जिराड तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर ही आया करेंगे। एक तो यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट हैं बहुत, और दूसरा यहाँ पे जगह भी काफ़ी बड़ी है, वो रौनक थी। यहाँ फिर अब लग रही है चांद रात, यहाँ से लग रही है। उधर तो मजाक ही हो गया था, जराट में बिल्कुल रश नहीं था, इधर वाकई में ज्यादा रौनक है जराट से। म्यूजिक श्यूजिक भी तो ये बाजार है ना, यहाँ से देखो यहीं का बोल रही थी कि यहाँ आना चाहिए मिसिसागा में, जहाँ पे 3D फूड स्ट्रीट है। क्या हो रहा है मायरा? अच्छा ये रिच पे जो मिसागा का एरिया है ना, तो यहीं पे ही चांद रात हमेशा एंजॉय करने के लिए आओ। यहाँ पे पता चल रहा था कि वाकई में जो है ना वो चांद रात हो रही है। बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया, और फुली आपको भी एंजॉय आपने भी किया। अगर अच्छी लगी वीडियो से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।